हेलो दोस्तों, आई एम डॉक्टर के एस चौगले एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द स्ट्रोक। स्ट्रोक किस वजह से होता है, स्ट्रोक एक्चुअली होता क्या है, किस वजह से होता है, उसकी वजह से क्या क्या हो सकता है, उसके लिए क्या ट्रीटमेंट की जाती है, तो इन सब बातों के बारे में आज हम शॉर्ट में जानेंगे। ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे बेसिक चीज़ होती है वो होती है ब्लड का प्रॉपर सर्कुलेशन होना। ब्लड के प्रॉपर सर्कुलेशन के वजह से ही सभी ऑर्गन्स ठीक से काम करते हैं। इन सभी ऑर्गन्स का अगर हम विचार करें तो सबसे महत्वपूर्ण ऑर्गन होता है वो होता है ब्रेन, हमारा दिमाग। अगर किसी कारण से ब्रेन के किसी भी हिस्से को अगर ठीक से ब्लड सप्लाई कुछ सेकंड तक या कुछ सेकंड से ज़्यादा समय तक नहीं होता है तो ब्रेन के उस हिस्से में जो भी ब्रेन के सेल्स होते हैं उनकी डेथ होने लगती है। इसकी वजह से ब्रेन का वो हिस्सा ठीक से काम नहीं कर पाता और जो भी ब्रेन का डैमेज होता है वो इरिवर्सिबल होता है, मतलब कि उस डैमेज को हम फिर से पहले जैसा नहीं कर सकते। तो इस वजह से ब्रेन का जो वो पर्टिकुलर हिस्सा है या फिर जो पर्टिकुलर पार्ट है वो बॉडी के जिस ऑर्गन को कंट्रोल करता है, जिस बॉडी पार्ट को कंट्रोल करता है, वो काम ठीक से नहीं हो पाता। स्ट्रोक होने के दो ही कारण होते हैं, एक तो क्लॉट होना या फिर इम्बोलस होना। अगर ब्रेन को सप्लाई करने वाली कोई भी ब्लड वेसल, कोई भी आर्टरी अगर ब्लॉक हो जाती है इम्बोलस की वजह से या फिर कोई ब्लड क्लॉट की वजह से, तो वो ब्लड आगे उस पर्टिकुलर ब्रेन के पार्ट तक नहीं पहुँच पाता, इसके वजह से स्ट्रोक हो सकता है। तो फिर ब्लड क्लॉट या फिर इम्बोलस एक महत्वपूर्ण कारण होते हैं स्ट्रोक के लिए। तो स्ट्रोक के भी दो प्रकार होते हैं, सबसे पहला तो इश्केमिक स्ट्रोक और दूसरा जो होता है वो होता है हिमोरेजिक स्ट्रोक। इश्केमिक स्ट्रोक जो होता है उसके अंदर ब्रेन के पर्टिकुलर पार्ट को ब्लड सप्लाई करने वाली जो आर्टरी होती है, जो ब्लड वेसल होती है, उसके ब्लॉक होने के कारण ठीक से उस पार्ट को ऑक्सीजन या फिर ब्लड या फिर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते और ब्रेन के उस पार्ट के जो सेल्स हैं उनकी डेथ होने लगती है। इसकी वजह से जो होता है उसको इश्केमिक स्ट्रोक बोलते हैं। और दूसरा जो होता है वो होता है हेमोरेजिक स्ट्रोक। हेमोरेजिक स्ट्रोक जो होता है वो मोस्टली एन्यूरिजम्स की वजह से होता है। अब एन्यूरिज्म एक तरह का ब्लड वेसल को होने वाला स्वेलिंग है जिसकी वजह से ब्लड वेसल का पर्टिकुलर एरिया स्वेल हो जाता है और वहाँ पे वो ब्लड वेसल रैप्चर हो सकती है। किसी पेशेंट में कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है या फिर किसी पेशेंट के अंदर ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो उस व्यक्ति के अंदर, उस पेशेंट के अंदर इस तरह के एनर्जम बस्ट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। अगर इस तरह से कोई भी ब्लड वेसल ब्रेन के पर्टिकुलर पार्ट में ब्रेक हो जाती है तो उसके अंदर से जो ब्लड निकलता है तो वो ब्लड उस ब्रेन के पर्टिकुलर एरिया में फैल जाता है। वो फैला हुआ ब्लड ब्रेन के उस पर्टिकुलर पार्ट के ऊपर प्रेशर क्रिएट करने लगता है। उस प्रेशर के क्रिएट होने के कारण पेशेंट को स्ट्रोक हो सकता है। अभी हमने जो दोनों स्ट्रोक के प्रकारों के बारे में बात की उसमें से सबसे ज़्यादा खतरनाक सेकेंड टाइप का, मतलब कि जो हेमरोजिक स्ट्रोक होता है वो सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है, जिसकी वजह से कुछ समय में पेशेंट की जान भी जा सकती है। कुछ रिस्क फैक्टर्स भी है जिनकी वजह से स्ट्रोक हो सकता है, जैसे कि स्मोकिंग। स्मोकिंग ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है स्ट्रोक होने के लिए। स्मोकिंग, इसके साथ पेशेंट को डायबिटीज़ होना, पेशेंट को ब्लड प्रेशर होना, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बढ़े हुए होना, या फिर किसी पेशेंट को एक्सरसाइज का रूटीन नहीं है, तो इस तरह के जो भी पेशेंट्स होते हैं वो स्ट्रोक के लिए रिस्क कैटेगरी में आते हैं। इन सब लोगों को स्ट्रोक होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। बात करेंगे स्ट्रोक के लक्षणों के बारे में, तो स्ट्रोक के लक्षण इस बात पे डिपेंड करते हैं कि ब्रेन का कौन सा एरिया, कौन सा पार्ट स्ट्रोक की वजह से अफेक्ट हुआ है। अगर किसी पेशेंट में ब्रेन का लेफ्ट पार्ट अफेक्ट हुआ है स्ट्रोक की वजह से तो उस व्यक्ति के बॉडी के राइट पार्ट में, राइट हिस्से में सिम्टम देखे जाते हैं स्ट्रोक के। या फिर अगर किसी पेशेंट के राइट साइड ऑफ ब्रेन में स्ट्रोक हुआ है तो उसके लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी में उसके सिम्टम दिखाई देते हैं। ठीक से बोल ना पाना, किसी किसी पेशेंट में चेहरा टेढ़ा हो सकता है, फेशियल डिफॉर्मिटी हो सकती है, किसी किसी पेशेंट में सीजर्स भी हो सकते हैं। तो इस तरह के लक्षण दिखाई दे सकते हैं स्ट्रोक के वजह से। तो अब बात करते हैं स्ट्रोक के ट्रीटमेंट के बारे में कि स्ट्रोक हो जाने के बाद करना क्या है, क्या करना चाहिए। अगर किसी भी पेशेंट में स्ट्रोक के लक्षण दिखाई देते हैं तो उस पेशेंट को सबसे पहले तो हॉस्पिटल ले जा करके उसका सीटी स्कैन ऑफ द हेड करना है, मतलब कि उसके सर का सीटी स्कैन कराना है। सीटी स्कैन कराने के बाद इस बात का पता चल जाएगा कि पेशेंट के ब्रेन के कौन से हिस्से में स्ट्रोक हुआ है, किस तरह का स्ट्रोक हुआ है, उसकी वजह से क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हुए हैं। किसी पेशेंट को हेमोरेजिक स्ट्रोक हुआ है तो उस पेशेंट के अंदर मिड लाइन शिफ्ट है कि नहीं, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होता है सीटी स्कैन के अंदर। क्योंकि अगर किसी पेशेंट में हेमोरेजिक स्ट्रोक की वजह से मिड लाइन शिफ्ट होती है तो उस मिड लाइन शिफ्ट की वजह से पेशेंट की जान को बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता है। इस तरह के पेशेंट की कुछ ही समय में डेथ भी हो सकती है। अगर किसी पेशेंट में हेमोरेजिक स्ट्रोक की वजह से मिड लाइन शिफ्ट ब्रेन के अंदर हुआ है, अगर वो सीटी स्कैन के अंदर दिखाई दे रहा है, तो उस पेशेंट में जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सर्जरी करके उसका डिकॉम्प्रेशन कराना पड़ता है, जिसकी वजह से कि ब्रेन का जो डैमेज है वो कम से कम हो और पेशेंट ठीक हो सके। अगर स्ट्रोक की वजह से पेशेंट को मिडलाइन शिफ्ट हुआ है, उसकी सर्जरी नहीं की जाती या फिर उसको समय पर ठीक से ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता तो कुछ ही समय में उस पेशेंट की डेथ भी हो सकती है।
अगर पेशेंट के सीटी स्कैन में अगर स्ट्रोक दिखाई दे रहा है लेकिन उस पेशेंट को बहुत ज़्यादा सीवियर कंप्लेंट्स नहीं है, तो उस पेशेंट को थ्रोम्बोलाइसिस की मेडिसिन भी दी जा सकती है। उस थ्रोम्बोलाइसिस की मेडिसिन की वजह से पेशेंट के ब्रेन के जो ब्लड सेल्स के अंदर जो क्लॉट बना हुआ है, उस क्लॉट के डिजोल्व होने में मदद होती है, और उस क्लॉट के डिजोल्व होने के कारण उस ब्रेन का जो पर्टिकुलर पार्ट था जहाँ पे कि ब्लड सप्लाई ब्लॉक हुआ था, वहाँ पे फिर से ब्लड सप्लाई ठीक से हो सकता है और पेशेंट फिर से उस स्ट्रोक से बाहर भी आ सकता है। अगर पेशेंट के ब्रेन के ऊपर प्रेशर बन रहा है स्ट्रोक की वजह से, उसके लिए IV मैनेटोल भी दिया जा सकता है, कभी कभी डिकॉम्प्रेशन भी करना पड़ सकता है। तो इस तरह के स्ट्रोक के पेशेंट में एलोपैथिक मेडिसिन से यूज़ करनी पड़ती है। कुछ पर्टिकुलर मेडिसिन से जो कि इस्तेमाल किए जाते हैं स्ट्रोक के ट्रीटमेंट में, अगर किसी पेशेंट को स्ट्रोक के वजह से सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है तो उस पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करके इंट्यूबेट करना पड़ सकता है, वेंटिलेटर पे भी रखना पड़ सकता है। अगर किसी पेशेंट के अंदर कोई और भी कॉम्प्लिकेशंस दिखाई दे रहे हैं तो उस पेशेंट को उस कॉम्प्लिकेशन के अनुसार सपोर्टिव थेरेपी दी जाती है। तो आज हमने शॉर्ट में बात की स्ट्रोक के बारे में। अगर आपके कुछ डाउट्स हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, आपके डाउट्स का जवाब देने की कोशिश की जाएगी। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।